नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। जिस तरीके के झारखंड के पॉलिटिकल हालात में अभी उथल पुथल है और ऐसे में अभी पहली जो सत्र में जो कार्रवाई होनी थी वो हो चुकी है, उसमें अभी बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है और ऐसे में अभी हम बात करेंगे सुरेश महतो से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसे किस रूप में देखते हैं। जितनी भी चीज़ें हो रही है झारखंड की राजनीति में बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं। विशेष सत्र, इस तरीके से जो भी हालात हुए हैं राज्य में, पूरे देश की नज़र झारखंड की राजनीति पे है, इस पे क्या कुछ कहेंगे? अंदर जो बहस हुई, किन किन मुद्दों पे चर्चा हुई है? हाँ जी, एक दिन का सत्र नहीं, एक घंटा का सत्र था और एक ही वो पूरा तय करके आए थे, केवल यहाँ आना है। बहुमत में मेरे पास इतने 48 मेंबर हैं ये बताने के लिए वहाँ पर आए थे। इससे ज़्यादा कोई विषय कोई था नहीं जिस पर चर्चा करें। राज्य के लॉ एंड ऑर्डर का विषय, अंकिता जैसी बेटी जिसकी हत्या हो गई उसके बारे में कोई चर्चा नहीं, उनके बारे में उनके कोई शब्द नहीं। और लॉ एंड ऑर्डर जो देश का सबसे खराब अवस्था में है उसके बारे चर्चा नहीं। यहाँ के ज्वलंत विषय, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, इसका कोई प्रस्ताव नहीं। इसके साथ साथ जातीय जनगणना जैसे विषय पर हम लोग ने पहले भी चर्चा किया था, वो कोई विषय नहीं है। यहाँ पर किसानों के हित पर जो अभी सुखाड़ की स्थिति थी उस पर अभी कोई चर्चा नहीं। तो इन्होंने मूल विषय को गौन किया, अपना विषय लाया, अपना एजेंडा लाए और केवल अपने ऊपर लगने वाले आरोप से बचने का ये उपाय बनाया। मतलब सरकार जो अभी हालात कर रही है, कहीं ना कहीं सुदेश महतो जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे, इनका कहना है कि सरकार ने जो मूल मुद्दे थे उनसे हट के ही सारी चीज़ों पे अपना, बस अपने आप को एक खुदगर तरीके से अपने आप को सामने रखते हुए जो मुद्दे हैं, जो अभी सुखाड़ के हालत, चाहे अंकिता के साथ जो वारदात हुई, उन सभी चीज़ों को दरकिनार करके अपना एक भाषण रख के चले गए। अपने जो विधायकों को बस एकत्रित करने में लगे हुए हैं और ऐसे में राज्य की कई जो चीज़ें हैं, कई गतिविधियां हैं, चाहे विकास की जो बातें हैं वो सारी चीज़ें धरी की धरी रह जा रही है और ऐसे में विकास किस ओर जाएगा? हम और लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानेंगे उनका क्या कुछ कहना है आज के जो सत्र के बारे में।